वो रामनाथ कोविंद जी से आप श्रेष्ठ हैं? अगर वर्ण व्यवस्था पर आएंगे तो मैं श्रेष्ठ हूँ। मेरा नाम संजय कुमार है। क्या करते हैं आप? हम किसान हैं, बेरोजगार हैं, पीजी किए हुए हैं पोस्ट ग्रेजुएट से पटना यूनिवर्सिटी से। किस विषय से किया है आपने? हमने तो किया है संस्कृत से, लेकिन पॉलिटिकल साइंस भी रखा था ऑनर्स में, अच्छी पास कोर्स में। अच्छा, तो उसके बाद नौकरी का प्रयास नहीं किया आपने? प्रयास तो किया लेकिन मिला कहाँ। अच्छा, तो किसकी सरकार थी उस समय जब आपने नौकरी का प्रयास किया, या अभी भी कर रहे हैं? उस समय तो लालू जी की सरकार भी थी, उस समय नीतीश जी भी उन्हीं के साथ थे। अच्छा। और वादा भी किए थे बहुत, लेकिन समय पार करते गया, पुनः फिर नीतीश जी आए तो इन्होंने वादा तो बहुत किया लेकिन 100% साफ हुआ, क्लियर हो गया। अच्छा। कि बेरोजगारी इनके रेजिंग में, अगर आज तक की सरकार बिहार में बनी है तो इतना बेरोजगारी कभी नहीं आया था जितना अभी। आपके समय भी इतना नहीं था? नहीं। आपकी आयु कितनी हो गई है? हमारी आयु 51-52 मान के चलिए। खेती करते हैं आप? जी। किस चीज़ की खेती है? धान चावल गेहूं जो हम लोग का है। खेती वाले फिर कहाँ बेरोजगार हो गए? किसान बेरोजगार है नहीं, जिसको कोई सुविधा नहीं है, रोज टैक्स हम पर जोड़ा जा रहा है, हर चीज महंगाई आसमान में जा रहा है, तो आखिर एक किसान जिसको 2-4 बीघा, हम लोग कोई बड़े किसान है नहीं, हम लोग को सामंती कहा जाता जरूर है लेकिन हम लोग सामंती है नहीं। दो बीघे वाला कोई सामंती हो सकता है? खुद सोचिए। हैं तो वही है, हम लोग पीस रहे हैं, मध्यम वर्ग में हैं सबसे ज़्यादा। अगर इस सरकार में अगर सबसे ज़्यादा परेशानी और कष्ट हो रहा है तो वो मध्यम वर्ग वालों को हो रहा है। और ये मैं उस समाज से आता हूँ जिसका खिलाफ करीब करीब जितने भी लोग हैं करते हैं, लेकिन हम लोग को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किस समाज से आते हैं आप? हम तो भूमिहार समाज, भूमिहार ब्राह्मण समाज से आते हैं। अच्छा, जी जितनी भूमिहारों से मैंने बात की तो वो ज़्यादा नाराज चल रहे हैं? बिल्कुल, ये नहीं, पूरे ऑल ओवर बिहार की मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार तो हमारे थे और हमारे साथ ही धोखा कर दिया। बिल्कुल 100%। जिस एक कहावत, हम हमारे सांसद डॉक्टर अरुण कुमार थे, मैं उनके साथ भी 20 साल भर रहा हूँ, तो वो कहते थे कि नीतीश ऐसा कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं, ये सत्य साबित हुआ। मुझे एक बात जाननी है, भूमिहार क्या होता है, मतलब ये शब्द का क्या मतलब? ये ब्राह्मण, ब्राह्मण का एक अंग है, मतलब ब्राह्मण जो आप जान रहे हैं ना, तो वही ब्राह्मण ही मैं हूँ, लेकिन मैं एक दान देने वाला होता है उसमें और एक दान लेने वाला। तो हम लोग दान देने वाले में है, हम लोग खेती किसानी है। अच्छा, और वो हमारे ब्राह्मण जो है वो हमारे पूज्य हो गए हैं, एक ही दोनों। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मुगल काल में जिन्हें जमीन दी गई, जिन फॉरवर्ड क्लास को, सो कॉल्ड फॉरवर्ड क्लास को, तो वो भूमिहार हो गए, जिनके पास जमीन नहीं थी वो बिना भूमिहार वाले जो होते हैं, वो क्या चक्कर है? वो भूमिहार जिनको मुगल साम्राज्य में या और भी जो सत आया, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ भूमिहार को, भूमिहार से पहले इतिहास रहा है, लाला जमींदार था, लाला जी थे, उससे पहले मुस्लिम थे, एक होते थे खुद मुकद्दम और चौधरी, उनका टाइटल होता था चौधरी, चौधरी वो हम लोग का टाइटल, हम लोग का उधर के लोग रखते हैं मिथिला साइड में, और फिर कुछ इधर भी रखते हैं। अच्छा, एक पुष्पम प्रिया चौधरी भी, उनसे कुछ उम्मीदें हैं? देखिए, नाम सुना है उनका, बरसात आता है ना तो बहुत सारे मेंढक कूदता है, सफलता किसको मिलता है तो खुद आप समझ रहे हो। इंटरनेट चलाते हैं आप? चलाते तो हैं लेकिन हमको विशेष चलाने नहीं आता। इंटरनेट पे बहुत बढ़िया माहौल जिसे कहा जाता है वो उन्होंने बना रखा है, ग्राउंड पे कुछ है? बिल्कुल बिल्कुल, फेसबुक से हम देखते रहते हैं, उनकी आवाज भी मैं सुना, उनकी वादा भी सुनने से तो अच्छा लगा, लेकिन हमने इस पर भी लिखा था कि मैडम जितना आप बोल रही हैं इसको आप करके दिखाइए तो हम लोग आपके साथ, बिल्कुल हम लोग को क्या चाहिए, जो हमको सुविधा दे, जो हमको समझे, मैं उसके साथ हूँ। जितने वादे उन्होंने किए हैं पुष्पम प्रिया चौधरी ने, अगर उसका 50% भी अगर वो पूरा कर दें तो पिछले 20 सालों में जितना हुआ है उससे ज़्यादा हो जाएगा। बिल्कुल, मेकअप कर देगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो
मौका मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन वैसा होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ ये भाषण चुनाव में ही हो, इसको आप धरातल पर करके दिखाओ। आप एकाएक आई हैं, हम लोग जान नहीं रहे थे, सुने लंदन से पढ़ के आई हैं, और शायद फादर इनके MLC भी हैं। क्या नाम हुआ? नाम मुझे नहीं पता, मगर JDU से हम भी जानते थे, लेकिन नाम हम तो अभी भूल रहे हैं। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो JDU की बी टीम है जो बोट कटवा का काम करेगी। ये मैं नहीं कह सकता हूँ, जिस तरह से उस मतलब पुष्पम प्रिया जी का छवि हम देख रहे हैं, और आजकल कलयुग है, इसमें आप किस पर विश्वास करके चलेंगे? हम ही जो बोल रहे हैं, हमारे हमारे ऊपर आप विश्वास करेंगे? बिल्कुल करेंगे, तो बोल रहे हैं हम, बिल्कुल कर रहे हैं। तो चलिए धन्यवाद इसके लिए। तो उसी तरह से मैं भी एक विश्वास जगह है जिसने एक से एक मुद्दा लेके आई है, और मुझे भी लगता है कि ये कुछ करने के लिए इनके अंदर तमन्ना है बिहार के लिए, चूंकि बिहारवासी है ना नीतीश जी, बिहारवासी हैं, तेजस्वी बिहारवासी हैं, पप्पू यादव भी बिहारवासी, नीतीश जी, पप्पू जी, अदरवाइज ऑल जितने भी मेंबर हैं, पॉलिटिशियन हैं, तो इन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए राजनीति किया, जात को जात से बांट दिया, जैसे इतिहास है कांग्रेस की सत्ता थी। अच्छा, आपने बेरोजगारी की समय के बाद क्यों आखिर इतना जात पात आया, ये हमको बताइए कि आखिर ये किसने लाया? इसमें आप मैकवा हटा रहे हैं। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि आपने बेरोजगारी की बात की, अच्छा, तो क्या रोड मैप होना चाहिए सरकार का, क्योंकि सरकार कहती है कि हम इतनी सरकारी नौकरी तो नहीं दे सकते। बिल्कुल, हाँ, तो सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, संभव ही नहीं, नहीं संभव है ना, नहीं। और मगर हर युवा चाहता है कि वो सरकारी नौकरी, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वहाँ क्लर्क पैदा करने वाला सिस्टम है, हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है। हाँ हाँ बिल्कुल, शिक्षा व्यवस्था की तो नाम ही मत लीजिए, अगर अब इसको आप सुनेंगे या माइक उधर रखेंगे, आवाज इसमें पूरी आ रही है। शिक्षा विभाग तो जो मैंने कहा कि 20 साल पहले और 30 साल की पढ़ाई पढ़ाते हैं, अभी इनका मुद्दा 15 साल का चल रहा है कि 15 साल पहले क्या था। अरे भाई, 15 साल पहले को ठीक है, आज आदमी थोड़ा फ्री होके घूम रहा है, यही है, और तो विशेष नहीं है। तो फ्री होके घूम रहा है इसका मतलब कि आपके 15 साल की सत्ता जो आपने शासन दिखाया कि कहीं मर्डर नहीं हो रहा है, तो ये नहीं हो रहा है, तो वो नहीं, और इसी पर आप सिर्फ राज करना चाहते हैं, तो हमारे राज्य के हमारे बेरोजगार भाई, आप फौज देख रहे हैं, ये बेरोजगारों की फौज, और यहाँ नहीं, आप जहाँ भी जाते होंगे, हम तो यहीं हैं, आप तो हर जगह ले रहे हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं। अंत में कहीं आप जाति में वोट तो नहीं देंगे? नहीं नहीं, मैं जाति पर कभी वोट नहीं दिया हूँ और न दूंगा। जाति में मानते हैं आप? जाति तो हमारा समाज है, क्यों नहीं मानेंगे? जाति तो आपका समाज है, उनका समाज है, सबों की अपनी, लेकिन जाति की समाज की जगह पर, समाज से हट के जहाँ विकास की बात हो या कुछ भी हो। जाति जब भेदभाव का कारण बन जाए तब तो बर्बादी, बर्बाद तो हो रहा है, आखिर इतना पीछे बैक जाने का क्या कारण है? जाति जिस पर आपने आया, फिर मैं पहले बोला कि आखिर ये जाति इतना किसने लाया? लालू जी ने लाया, पहले नीतीश कुमार उनसे निकले, रामविलास जी निकले, सभी तो एक ही जगह थे जी, महाराज मनु, SP मनुस्मृति, मनुस्मृति नहीं, हम समझ रहे हैं थोड़ा, हम कौन लाए जाति? जाति तो लाए यही यही पूरा कुनबा जो बंटते गया। ना नेता लाए क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, ये लालू जी हैं, ये ब्राह्मण होंगे, आज से ये क्षत्रिय होंगे। वोट बैंक जो बनाया इन लोगों ने जब पार्टी से, एक वोट बैंक वो अलग चीज जैसे हो गई, मैं जाति की बात कर रहा हूँ, हाँ, मूर्ता जाति कि आप भूमिहार ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, या कोई दलित है, कोई महादलित है, हाँ, जो भी चीज़ें हैं, कोई यादव है, तो जाति व्यवस्था जो बनाई, इस पे मैं पूछ रहा हूँ। ये तो ऊपर से बना है, तो शास्त्रों द्वारा हमारा प्रमाणित। अच्छा, ये तो हम लोग नहीं इस पर कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सबों की जाति है और सबों को मिला है, जो वर्ण है, चार वर्ण होते हैं जिसमें इसी शरीर में सब कुछ बता रहा है। आप कह रहे हैं कि हमें सामंती समझा जाता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमें 2 बीघा खेत है तो क्या करेंगे हम? तो यहाँ दिक्कत है ना कि जाति से तो आपको ये समझा जा रहा है कि आप श्रेष्ठतम हैं, है ना, लेकिन परिस्थितियाँ अलग हैं, विपरीत, तो ये चीजें कैसे खत्म कर होंगी या हो सकती है, कैसे जाएंगी ये तो खत्म होगी तब ऐसी हमारी सरकार की व्यवस्था हो जो सबों को एक समान दे। दूसरा, सरकार से पहले मुझे लग रहा है समाज के स्तर पे चीज है,
तो समाज तो बटा हुआ है ना। अगर अब एक तरफ आप चलें तो कुछ जनता की भी कुछ क्या, मैं जनता का ही दोष देना चाहता हूँ, क्योंकि जनता समझ नहीं रहा है। वो आया लॉलीपॉप दिखा के गया, हमको 10,000 दे दिया, 20,000 बगल वाले को दे दिया, हम लोग उसका झुनझुना बजाना शुरू कर दिया। तो समाज और जाति तो सब, इस पर प्रश्न आपका जो हो रहा है हमको समझ नहीं आ रहा। प्रश्न मेरा ये है कि कहीं जी अब उसका आप हमको प्रमाण खोजिएगा तो हम अभी देंगे कहाँ से देंगे, वो तो ऊपर से ऊपर चलता है। प्रश्न मेरा ये है कि कभी आपको लगता है कि आप ब्राह्मण हैं या फिर क्षत्रिय हैं तो आप श्रेष्ठ हैं उन जातियों से? श्रेष्ठ बिल्कुल है। किस तरह से श्रेष्ठ हैं आप? हम अपने कर्म अपने संस्कार से, वो भी संस्कार अच्छा धर ले, वो भी कर्म करे तो वो भी मेरे समान आ जाएगा। हमारे जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, क्या आप उनसे श्रेष्ठ हैं? राष्ट्रपति से श्रेष्ठ कोई हो सकता है क्या? अगर मैं उनके नाम के आगे से राष्ट्रपति हटा दूं, और रामनाथ कोविंद जी से आप श्रेष्ठ हैं? अगर वर्ण व्यवस्था पर आएंगे तो मैं श्रेष्ठ हूँ। धन्यवाद।